बहुत है। और जो बात आपने कही, देखिए जब घुसपैठ की बात आप अगर करेंगे तो वो एक सीमित दायरा हो जाएगा। जब हम अपनी सेना की बात करते हैं तो हमें पूरा विश्वास रहता है कि कोई भी घुसपैठ जो है उसको नाकाम करने में सक्षम होती है हमारी सेना। और इसके बारे में अगर आपको कारगिल के बारे में याद कराऊं तो उस समय किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। पर हम इतना पीछे क्यों जा रहे हैं, हमें आज की बात भी करनी चाहिए। लेकिन आपने यूपीए की सरकार के समय में पूछा और आज का फर्क, तो आपने खुद ही बता दिया भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन वहां पे गया, कभी भी सरकार पीछे नहीं हटी किसी भी जवाब सवाल का जवाब देने से। अगर हम चाइना की आज बात करते हैं तो सीमा पर जो गांव बच रहे हैं या जो चीन जो है वो अरुणाचल की कई जगहों के नाम बदल देता है, और ये 3 बार हो चुका है। लेटेस्ट जो हुआ था वो अप्रैल 2023 में हुआ था। तो उसमें हमारा रुख क्या होता है, ये तो डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात होती है ना, ये केवल सेना के ऊपर तो बात नहीं है। तो यानी कि सरकार किस तरह से नाकाम है क्योंकि स्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और छुपा रही है बातों को। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि जब गलवान वैली में मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए, क्या हम उन्हें भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। क्या सुधीर बाबू को भूल सकते हैं आप? नहीं भूल सकते। और अगर सरकार ये और सरकार का जो माई बाप होता है, जो आका है भाजपा के प्रवक्ता के, उन्होंने क्या कहा कि कोई आया ही नहीं है, उसके बाद उसपे उसकी सफाई भी दी गई और आज तक बातचीत चल रही है। तो ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पे कमी है और कहीं ना कहीं बेहद कमी के कारण आज चीन की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है। आप तो ये देख लीजिए कि चीन कितने लेवल्स पे क्या क्या कर रहा है। गुजरात में जाके एक डेनी डेटा ऐप बना देता है और लोगों के पैसे चुरा के भाग जाता है एक व्यक्ति, वो भी चीनी नेशनल। मगर चीन के ऐप्स को आप बैन कर देंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि हमने चीन से लड़ाई लड़ ली, तो ये तो देश को भ्रमित करने की बात है। और जहां तक रविशंकर प्रसाद की बात है तो उनको तो अब क्योंकि उनका करियर हाशिए पे आ गया है तो उन्हें बेकार की बातें करने की आदत है। मुझे बताइए कि कोई भी राज्य उसको मजबूत करने के लिए उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए ना, तभी तो वो मजबूत तरीके से अपनी सरकार को केंद्र सरकार को बताएगी कि भाई क्या चीजें हो रही है नहीं हो रही है, उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती है। बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। बारे में बात नहीं करना चाहती। आखिरी एक 5 सेकंड इस बात बारे में बात नहीं करते कि वहां के लोग कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई मुद्दे हैं और चीन घुसपैठ एक मुद्दा है, वहां के लोग कह रहे हैं उनकी सरकार क्यों नहीं।